नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो कि आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा 2010 से शुरू की गई है और छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 9 विद्यालय इसके तहत खुल चुके हैं और इन विद्यालयों का नाम है प्रयास आवासीय विद्यालय। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए जा रहे वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं जो कि है www.tribal.cg.gov.in। इन विद्यालयों में ऐसे प्रतिभावान छात्रों को मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं या फिर पिछड़े जिलों से आते हैं। इनमें सभी कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा यानी प्रवेश परीक्षा के द्वारा विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। वो कोई भी कैटेगरी के वो छात्र छात्राएं हो सकती हैं, ओबीसी, एसटी, एससी या जनरल कैटेगरी के सभी प्रतिभावान छात्रों को इसमें मौका दिया जाता है। और कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर नक्सली हिंसा से प्रभावित होते हैं, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती, उनका प्रवेश सीधे तौर पर प्रयास आवासीय विद्यालयों में हो जाता है। लेकिन उन्हें उस जिले के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना पड़ता है। आवासीय विद्यालय में कक्षा 8वीं के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, जैसा कि आपको आप सभी को पता है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये होती है कि जो प्रवेश परीक्षा प्रवेश प्राप्त करने के लिए 8वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा इसके समकक्ष ग्रेड पाना अनिवार्य होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें सभी छात्र छात्राएं एवं पालकगण। प्रयास आवासीय विद्यालय में 8वीं के जो प्रवेशी छात्र छात्राएं रहती हैं उन्हें उत्कृष्ट एवं प्रभावपूर्ण शिक्षा दी जाती है जिससे कि वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और ये प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, हम सभी परिचित हैं, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे मेडिकल की प्रवेश परीक्षा हो, CA, CS, CMS या CLAT की परीक्षाएं हो, इन सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने के लिए विशेष प्रकार की कोचिंग की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जाती है। ये जो कोचिंग होती है ये छात्रों के विषय चयन के आधार पर दी जाती है। जिसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है उनके लिए अलग से कोचिंग होती है, जिनको CS की तैयारी करनी है उनके लिए अलग से कोचिंग होती है। यानी जिस विषय का आप चयन करते हैं या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके अनुसार से यहाँ पर कोचिंग की सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, जो कि बहुत अच्छी सुविधा है। और प्रयास आवासीय विद्यालय से जो छात्र छात्राएं इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं अधिकतर छात्र छात्राओं का चयन होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।